हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द कैंपस सारथी। यहाँ पर हम लोग जनरल प्रॉब्लम्स को आपके सॉल्व करते हैं, क्वेरीज को क्लियर करते हैं। अगर अभी तक आपने कैंपस सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अप्लाई फॉर ग्रेस मार्क्स इन GJSIPU यूनिवर्सिटी दिल्ली, जो कि हमारा द्वारका स्थित है। जो अब इसके बारे में हमारे पास कुछ की पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये है कि कोई हमारे पास ऑनलाइन मोड नहीं है ग्रेस मार्क्स अप्लाई करने के लिए GJSIPU यूनिवर्सिटी में फॉर द कम्प्लीशन ऑफ डिग्री। मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी ऑनलाइन मोड नहीं है जिसके थ्रू आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज में एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे और उसके बाद यूनिवर्सिटी में उसे सबमिट करना पड़ेगा। उस सारे प्रोसीजर को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। पहले दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है कि ग्रेस मार्क्स जो है वो एप्लीकेबल तभी होता है जब आपका लास्ट सेमेस्टर का या एनुअल लास्ट एनुअल का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। जस्ट लाइक आप कोई 3 साल का या 4 साल का कोर्स कर रहे हैं तो आपके 6ठे सेमेस्टर में या 8ठवें सेमेस्टर में या फिर आपके 4th ईयर में, आपके 4th 5th ईयर में जस्ट फॉर BR, ठीक है, उसके आपका 8वां 6ठा या 4th 5th ईयर का इस तरीके का आपकी रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही आप ग्रेस मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ग्रेस मार्क्स जो इंडिविजुअल सेमेस्टर में मिलता है और जो इसकी हम जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। जो ग्रेस मार्क्स आपको इंडिविजुअल सेमेस्टर में मिलता है वो इंडिविजुअल सेमेस्टर के लिए ही एप्लीकेबल होता है, लेकिन जिसमें ग्रेस मार्क्स की हम बात कर रहे हैं वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्रेस मार्क्स का उस ग्रेस मार्क्स से कोई रिलेशन नहीं है, आप उन दोनों को एक साथ कभी नहीं जोड़ेंगे। सेपरेट मार्कशीट विल बी इशूड फॉर ग्रेस मार्क्स, मतलब कि अलग अलग मार्कशीट, अब जिस जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेस मार्क्स डिमांड किए हैं उसकी एंड ऑफ द सिस्टम आपके पास अलग अलग मार्कशीट आएंगी। पहला हम जो डिस्कशन करना चाहते हैं कि यह पॉलिसी क्या है ग्रेस मार्क्स का। एक्चुअली जो हमारा पॉलिसी है ग्रेस मार्क्स का, उसके हिसाब से हमारे पास सबसे पहली चीज है कि क्या पीरियड ऑफ ग्रेस है और कितने ग्रेस मार्क्स मुझे मिलेंगे। मतलब क्या है कि आपने कितने सालों के बाद कितने ग्रेस मार्क्स के लिए आप एप्लीकेबल होते हैं। जैसे पहला जो सेक्शन है कंप्लीशन ऑफ कोर्स एन ईयर में आपको 6 मार्क्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। इसका मतलब ये है अगर आपका 3 साल का कोर्स है तो आपका कंप्लीशन ऑफ कोर्स एन इज इक्वल टू 3 होगा, 4 साल का कोर्स है एन इज इक्वल टू 4 होगा, अगर 5 साल का कोर्स है तो एन इज इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। तो आपका जो कंप्लीशन ऑफ कोर्स, जैसे ही 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तब आप ग्रेस मार्क्स डिमांड करना चाहते हैं तो 6 मार्क्स के लिए आप एप्लीकेबल हैं। जब आप 4थे से 5वें ईयर में चले जाएंगे, मतलब क्या है कि आपने कोर्स तो कंप्लीट कर दिया बट आपने क्या अपने पेपर क्लियर करने के लिए 1 साल और लगा दिया और आप जैसे ही 4 साल का कोर्स है 5वें साल में चले गए तो आप 9 मार्क्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसी तरीके से 4+1 4+2 के लिए जब आप 6ठे ईयर में चले जाएंगे तो वो आप 12 मार्क्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है मैंने BBA किया, एग्जाम्पल के लिए मैंने BBA किया, BBA में मेरे 3 साल हो चुके हैं, मेरा 6ठे सेमेस्टर का रिजल्ट आया, मैं 6 मार्क्स के लिए एप्लीकेबल हूँ। अब मेरे कुछ पेपर बचे हुए थे, मैंने पेपर दिया और पेपर देते देते मेरा 1 साल और निकल गया, मैं 3+1 हो गया, मतलब 4th ईयर 4th ईयर में पहुंच गया, अभी तक मेरे पेपर क्लियर, तब हमारा ग्रेस मार्क्स 9 एप्लीकेबल हो जाएगा। उसी तरीके से 3+2 5 ईयर्स में हमारे पास 12 मार्क्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से आप अपने कोर्सेज के साथ भी उसको कंपैरिजन कर सकते हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, ज्यादा डॉक्यूमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला तो आपका जीरोक्स कॉपी ऑफ ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, मतलब कि आपको सारे जीरोक्स कॉपी सेमेस्टर मार्कशीट के रख देने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि 6ठे सेमेस्टर या 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर होने के जस्ट बाद आप ग्रेस मार्क्स के लिए अप्लाई करते हो, तब तक आपके मार्कशीट इशूड नहीं होते। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जो PDF अपलोड होती है उसे डाउनलोड करना है और जिस पेज में आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड है उस पेज का आपको प्रिंट आउट लेना है और उसे लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास यही एक सिंपल रिक्वायरमेंट है आपके पास कि सारी सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में अलग डॉक्यूमेंट नहीं, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो सारे सेमेस्टर की मार्कशीट सिक्वेंशियली
सिक्वेंशियली रहनी चाहिए, इंक्लोज होनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पहले थर्ड का लगा दिया, फिर सेकंड का लगा रहे हैं, फिर सिक्स्थ का लगा रहे हैं। पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कोई बैक थी, आपने थर्ड में क्लियर करी, तो उसके थर्ड सेमेस्टर में जो आपका मार्कशीट आया था या रिजल्ट आया था, उसको लगाना है फर्स्ट सेमेस्टर के साथ। तो इट शुड बी प्रॉपर सिक्वेंशियल। अगर ये सिक्वेंशियल नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी इसको इंटरटेन नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी का, जो मैंने लिंक दिया है, इसके लिंक से मैं आप क्या कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे भरना होगा। और इंस्टीट्यूट के, जिस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई करी है, जिस भी कोर्स की, उसके डीन डायरेक्टर से ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड होनी चाहिए। अब उसके साथ भी कुछ और पॉइंट्स है, जैसे जो ग्रेस मार्क्स है वो कैन बी ऑब्टेन फॉर वन और मोर सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि अगर सिक्स मार्क्स का ग्रेस है तो एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको तीन सब्जेक्ट में लेना है, तीन सब्जेक्ट में लीजिए, किसी में एक लेना है, किसी में दो लेना है, किसी में तीन, 3+2+1 5। एक सब्जेक्ट में एक मार्क्स से आपकी बैक है, एक में दो से बैक है, एक में तीन से बैक है, तो आप डायरेक्टली आप 1, 2, 3 किसी में भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेरी और आती है, सर क्या ग्रेस मार्क्स सभी सब्जेक्ट के लिए होता है, मैंडेटरी या नॉन मैंडेटरी? हाँ, ग्रेस मार्क्स आप मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी दोनों सब्जेक्टों में ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। तो आप जितनी सब्जेक्ट में लेना चाहते हो उतनी सब्जेक्ट में, लेकिन आपकी एंड लिमिट सेट है कि आप या तो 6 मार्क्स ले सकते हो, या तो 9 मार्क्स ले सकते हो, या तो 12 मार्क्स ले सकते हो, डिपेंडिंग कि n है, n प्लस 1 है या n प्लस 2 है रेस्पेक्टिवली। उसके बाद है कि अगर आपको मार्कशीट, आपने क्या किया कि फर्स्ट सेमेस्टर में कोई पेपर दिया आपकी, उसमें बैक आई, फिर आपने थर्ड में दिया, फिर आपने फिफ्थ में दिया, लेकिन किसी में भी आपका क्लियर नहीं हो पाया। अब आप चाहते हो कि इसमें ग्रेस मार्क्स लगाना चाहे, तो अगर मान लीजिए एक में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर दिया उसमें 31 आया, और थर्ड में जो दिया फिर उसी पेपर को, तो उसमें 36 आया, और आपने फिफ्थ में दिया उसमें 39 आया, और पासिंग मार्क्स 40 है, तो बेस्ट मार्क्स लिए जाएंगे। आपका 31, 36 नहीं लिया जाएगा, 39 जो आपका बेस्ट मार्क्स है उसे कंसिडर किया जाता है ग्रेस मार्क्स के लिए, क्लियर, ठीक है। तो जो भी आपने पेपर दिए हैं उसको एक बार रिव्यू जरूर करेंगे कि जिसमें मेरे सबसे बेस्ट मार्क्स है उसी को लेके मैं ग्रेस मार्क्स ले सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास कोई फीस नहीं होती है ग्रेस मार्क्स अप्लाई करने की, सब सिर्फ ये प्रोसीजर फॉलो करिए, फॉलो करके उसके बाद जाइए, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी में सबमिट कराइए, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में ये डॉक्यूमेंट सबमिट कहाँ होंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जामिनेशन काउंटर है GGSIP यूनिवर्सिटी के अंदर, उसे जाकर वहां पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन बस एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आप एप्लीकेशन फॉर्म की एक फोटोकॉपी जरूर लेके जाएं, जिस पे यूनिवर्सिटी रिसीविंग देगी आपको, जो कि फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा आपको, कि अगर आपको कुछ टाइम लग गया आपको प्रोविजनल वगैरह प्रिंट होने में, तब आप जाके उस रेफरेंस नंबर से यूनिवर्सिटी में पता कर सकते हो। एक और क्वेश्चन होता है जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है सर कि ऐसा है मेरी 5 बैच है, मैं 3 में ग्रेस ले सकता हूँ, बाकी 2 में पेपर बाद में देता रहूंगा। ऐसा नहीं होता, आप तभी ग्रेस मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब आप प्रोविजनल डिग्री पाने के अधिकारी हो जाते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 बैच है और तीनों बैच में आपके 6 मार्क्स के ग्रेस से आपकी तीनों बैच क्लियर हो जाएंगी, टोटल ही 3 बैच है, और आपको ग्रेस मार्क्स सीखने से प्रोविजनल मिल जाएगा, तभी आप ग्रेस मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने 3 में लगा लिया, 2 के रीअपियर दे रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। ग्रेस मार्क्स तभी एप्लीकेबल होगा कि जब आप उस एलिजिबिलिटी पे आ जाओगे कि आपको प्रोविजनल जो डिग्री होती है वो आपको मिल जाए, ठीक है, या कंसोलिडेट डिग्री आपको मिल जाए, इसी कंडीशन पे आपके लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इस वीडियो में अगर आपको इस वीडियो आपके लिए लाभदायी है, ठीक है ना, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियोस अभी मैं डालूंगा, और इसके साथ में कंसेक्यूटिव में क्रेडिट ड्रॉ सिस्टम को भी डालूंगा, बिकॉज कि कई बार किसी बच्चों को क्रेडिट को भी ड्रॉप करना होता है ग्रेस मार्क्स के साथ। अगर सिर्फ ग्रेस मार्क्स अप्लाई करना है तो ये सेट ऑफ रूल्स है, अगर आपको इसके साथ क्रेडिट ड्रॉप भी करना है उसके लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। थैंक यू।